यह कहानी है गौतम सिटी की। अरे सिटी में एक ऐसा इंसान रहता है जिसकी परवाह किसी को नहीं होती है। वह इंसान आर्थर फ्लैक है, जिसे हम जोकर के नाम से जानते हैं। और तभी आर्थर को एक कंपनी द्वारा एक ऐड करने का मौका मिलता है और उस कंपनी का साइन बोर्ड लेकर वह सड़क के बीचों बीच एक हंसे चेहरे के साथ बहुत ही अच्छा ऐड कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ बदमाश बच्चे आते हैं और उसका साइन बोर्ड लेके भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है पर वो आर्थर को मारकर उसका साइन बोर्ड तोड़ देते हैं, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। और फिर वह बस में बैठकर अपने घर की ओर जाने लगता है, जहां बस में एक लड़का मिलता है। वह उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जहां पर वो बताता है कि मैं तुम्हारे बेटे को परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं तो हंसाने की कोशिश कर रहा हूं। और उससे वह एक कार्ड देता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि आर्थर को एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी होती है। फिर आर्थर अपने घर अपने मॉम के पास चला जाता है और वहाँ वो टीवी खोल कर देखता है तो टीवी में उसका फेवरेट शो चल रहा होता है और उस शो में उसका फेवरेट कॉमेडियन होता है। वह उसको गले लगाता है। यह सब एक सपना होता है। और फिर हमें नेक्स्ट में दिखाते हैं कि आर्थर अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर ड्रेस पहन रहा है। तभी उसके दोस्त आर्थर की सुरक्षा के लिए उसे एक गन देते हैं, क्योंकि उसके साथ पहले ऐसे हो चुका होता है कि वह कुछ बच्चों से पिट चुका होता है, इसलिए उसे एक गन दी जाती है। और फिर तभी उसका बॉस उसे बुला लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा साइन बोर्ड कैसे टूटा था, जहां पर आर्थर उसे सच्चाई बताता है। पर उसके बॉस उसकी सच्चाई नहीं मानता, इस वजह से आर्थर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर दीवार पर अपना पैर पटकता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। वह बहुत ज़्यादा निराश होता है और लिफ्ट में जब खड़ा होता है तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लेडी आती है जिसका नाम होता है सॉफ़ी। सॉफ़ी की एक सुंदर लड़की होती है और वह आर्थर के बगल वाले फ्लैट में रहने आई होती है। आर्थर फिर से टीवी खोलता है और वह टीवी के साथ साथ अपनी उस कन को देखता है। फिर दूसरे दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि सोफ़ी का पीछा करते हुए आर्थर सोफ़ी के पीछे पीछे जा रहा होता है। सोफ़ी एक क्लब के अंदर जाती है, आर्थर भी उसका पीछा करते हुए उस क्लब में पहुंच जाता है। उस क्लब में एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन होता है जो कि अपना शो चला रहा होता है और आर्थर भी वहां पर बैठ कर अपनी डायरी को निकालता है और उसमें कुछ चुटकुले लिखने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं सोफ़ी उसके घर आती है और उससे पूछती है कि आर्थर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, जहां पर वह उसका मुस्कुराते हुए कुछ जवाब नहीं देता और अपना रूम बंद कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि आर्थर को एक हॉस्पिटल के अंदर शो करने का मौका मिलता है और शो के दौरान जब उसके जेब से गन निकलती है तो हॉस्पिटल वाले उसे शो से निकाल देते हैं और उससे कहते हैं तुम हॉस्पिटल में गन लेकर क्यों आए हो। आर्थर इसका जवाब देते हुए कहता है कि गन मेरे शो का हिस्सा थी, इसलिए मैं गन लेकर आया था। बट उसकी बात कोई नहीं मानता और पुलिस केस उसके खिलाफ हो जाता है, जिससे कि वह परेशान होकर अपने घर को लौटने लगता है। और जब वह मेट्रो ट्रेन में बैठा होता है तभी वहाँ पर कुछ बहुत ही बदतमीज लड़के आते हैं जो कि एक लेडीज़ को परेशान कर रहे होते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी जोकर को ऑकवर्ड फील होता है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और तभी जोकर वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर सब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ से लेडीज़ चली जाती है और वो सभी बस जोकर के पास आते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन जोकर के पास जो गन होती है वह उस गन से उन दोनों को मार देता है और उसमें से एक लड़का डर के मारे जोकर से पीछे छुड़ाकर भागने लगता है, लेकिन वह उसे छोड़ता नहीं और उसके पास जाकर उसे दौड़ाकर मार देता है। उसे मारने के बाद वह बहुत ज़्यादा डर जाता है, इस वजह से वह अपने घर में आता है लेकिन उसे घर में भी चैन नहीं होता है। और फिर वह बाहर निकलता है और सोफ़ी के घर चला जाता है। सोफ़ी के घर जाने के बाद वह एक सोफ़ी को बहुत ही रोमांटिक किस करता है और रात भर उसके साथ रहता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को एक और शो करने का मौका मिलता है। यह शो किसी और क्लब में नहीं बल्कि उसी क्लब में होता है जिसमें कि सोफ़ी जाया करती थी, और सोफ़ी उस क्लब में इंतजार कर रही होती है आर्थर के शो का। तभी आर्थर रेडी होकर अपने शो के लिए निकल पड़ता है और जब उस मंच पर जाता है पहली बार तो वह पब्लिक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि इससे पहले उसने इतनी पब्लिक के सामने कभी भी शो नहीं किया होता है। और आर्थर अपना पहला शो देता है बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, लेकिन तभी अचानक से उसे बीच में बहुत ज़ोर से हंसी आने लगती है, जिसकी वजह से पब्लिक उस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इससे पहले इतना अच्छा शो किसी ने नहीं दिया होता है। जोकर भी अपने काम से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बट उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही वह घर जाता है उसकी माँ उसे बताती है कि तुम इस शहर के बहुत बड़े अमीर घर के लड़के हो। और यह सुनकर जोकर पागल हो जाता है। फिर वह ट्रेन पकड़कर अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। वह अपने माँ के दिए पते पर जाता है और वहाँ पर ब्रूस से मिलता है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूँ कि अब ब्रूस कोई और नहीं बल्कि हमारा बड़ा होकर बैटमैन बनने वाला लड़का था। वह ब्रूस को बहुत खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह डांट कर
जोकर को वहाँ से भगा देता है। उसके दुए हुए फूल भी ब्रूस से लेकर उसे वापस दे देता है, जिससे कि जोकर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और फिर वह अपने डैड से मिलने का ठान लेता है। लेकिन जैसे ही वह घर जाता है, उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वह बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है। फिर उससे मिलने दो डिटेक्टिव आते हैं और उससे बातचीत करते हैं, लेकिन जोकर अपने सभी बयानों को ठुकरा देता है और वह अपने माँ के पास बैठकर कुछ सोच रहा होता है। वह अपनी माँ के ठीक होने की कामना कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल में चल रहे टीवी की ओर जाती है। वह टेलीविज़न में देखता है कि उसके डैड एक शो में आने वाले हैं और उस शो में जाने के लिए वह एक बहुत ही अच्छा फेस बनाता है और एक नकली ड्रेस पहनकर उस शो में घुस जाता है। वह उस शो में अपने डैड को ढूंढता है और उस पर नज़र रखे हुए होता है, तभी उसके डैड कलेक्ट करने के लिए बाहर जाते हैं और वह पीछे से उनके पीछे पहुँच जाता है। फिर वह अपने डैड से कहता है, डैड मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन उसके डैड बहुत ही ज़्यादा क्रूर होते हैं। वह जोकर से कहते हैं कि तुम मेरे बिल्कुल भी बेटे नहीं, और उसे पंच कर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वह अकेले होकर अपने फ्रिज में अपने आप को बंद कर लेता है। फिर उसे एक कॉल आती है और उस कॉल को उठाता है। कॉल उठाने के बाद वह उस कॉल हॉस्पिटल की होती है, उसे यह पता चलता है, इसलिए वह हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में अपनी माँ की सारी डिटेल्स निकलवाता है और डिटेल्स को देखता है, तो उसे यह पता चलता है कि उसके डैड ने उसके सारे सबूत मिटा दिए हैं, जिससे कि वह और ज़्यादा परेशान हो जाता है और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी बीमारी धीमे धीमे बढ़ने लगती है और उसका साइकोपन धीमे धीमे बाहर आने लगता है। वह एक इंसान से धीमे धीमे मर्डरर्स बन जाता है। वह जब भी बाहर जाता है तो लोग उसी जोकर की बात कर रहे होते हैं जिसने कि 3 मिनट्स पहले किया होता है। उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उसका पागलपन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी पागलपन के चलते वह अपनी माँ से मिलने जाता है, जहाँ पर उसकी माँ हॉस्पिटल में चुपचाप लेटी होती है। लेकिन तभी वह उसको तकिए से गले दबाकर मार देता है और उसके बाद एक सूरज की अच्छी रोशनी लेता है, फिर अपने घर आ जाता है। उसका साइकोपन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वह अपने दोस्तों को भी नहीं पहचान रहा था। और जब वह अपने सोफे पर शांत बैठा होता है, तो उसे एक और शो करने के लिए कॉल आती है। यह शो दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन शो होता है, जिसमें कि जाना उसका बचपन का सपना होता है। यह शो बिल्कुल कपिल शर्मा के शो की तरह होता है। उस शो के लिए वह अपने आप को रेडी कर रहा होता है, लेकिन तभी उससे मिलने उसका दोस्त आता है। उसके दोनों दोस्त आते हैं जो उसके साथ ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वह एक चाकू उठाता है और उसमें बड़े वाले को मार देता है। यह देखकर उसका छोटा वाला दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वह उसे जाने देता है। और फिर वह एक लाल सूट पहनकर जोकर का मेकअप कर पूरा जोकर बनकर वहाँ से चला जाता है और सीढ़ियों पर डांस करने लगता है। लेकिन इसी डांस के बीच वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारे घर पर तुम्हारे दोस्तों की लाश क्यों पड़ी हुई है? जिसे सुनकर जोकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डरा होता है। उसे यह लगता है कि पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे, इस वजह से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वह मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसता है, मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठता है, तो वह देखता है कि चारों तरफ हर तरह के जोकर के मास्क पहनकर लोग रोडों पर टहल रहे हैं, ट्रेनों में बैठे हैं, हर बस स्टैंड पर, हर स्टेशन पर बैठे हुए हैं, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और इसी वजह से वह सही सलामत अपने शो में पहुंच जाता है और शो में बहुत ही अच्छा डांस करते हुए वह एंटर करता है। फिर वहाँ के डॉक्टर को एक किस करता है, जो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से लोग पागल से हो जाते हैं। जोकर का दीवानापन देखकर जोकर भी अपना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ जाता है। फिर उससे कहा जाता है अपना शो स्टार्ट करने के लिए। फिर वह अपने जेब से एक डायरी निकालता है, जिसमें कि वह बचपन से चुटकुले लिखा करता था। उन चुटकुलों को पढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे रोका जाता है। और जिया बिल्कुल भी जोकर को अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वह अपने जेब सिक्का निकालता और वहाँ पर बैठे हुए कॉमेडियन को शूट कर देता है। यह सब लाइव चल रहा था, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा जोकर के खौफ में आ जाते हैं और सभी पब्लिक वहाँ से भागने लगती है। सभी के सभी न्यूज़ चैनल में जोकर की खबर चल रही होती है, जोकर ने ऐसा किया, जोकर ने वैसा किया। यह सब देखकर जोकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और जोकर को पकड़ कर लेकर जाने लगता है। लेकिन रोड पर जब जोकर देखता है कि चारों तरफ लोग जोकर का मास्क पहनकर तबाही मचा रहे हैं, लूटपाट बढ़ जाती है, सभी लोग पागल से होने लगते हैं और जोकर यह सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसमें से एक बहुत बड़ी वैन आती है और पुलिस की गाड़ी को ठोक देती है। फिर जोकर के चाहते जोकर को बाहर निकाल लेते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि जोकर के पहना हुआ एक मास्क वाला आदमी आता है और ब्रूस के पिता को शूट कर देता है। वहाँ पर ब्रूस के पिता की डेथ हो जाती है और यहीं से बैटमैन की कहानी शुरू होती है। लेकिन यहाँ से हमें फिर नहीं दिखाया जाता, हमें दिखाया जाता है जोकर को जो कि बहुत ही बुरी हालत में कार पर लेटा होता है। वह कार पर उठता है, उठने के बाद लोग उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और जोकर कहकर पुकारते हैं। जहाँ पर जोकर उठता है और एक शानदार कार के ऊपर डांस करता है। यह डांस बहुत ही ज़्यादा शानदार तो नहीं होता है, लेकिन उसके लोगों को उसका डांस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब पूरे शहर में जोकर का खौफ जम गया था, लोग जोकर के नाम से कांपने लगते हैं और अच्छे लोगों को तो पूछो ही मत, बुरे लोगों का राज चलने लगता है। जोकर हर जगह एक ब्रांड बनकर छप जाता है जो कि किसी को मिटाए नहीं मिटता। फिर वह एक अच्छे से स्माइल देता है और फिर हमें दिखाया जाता है जोकर को पागल खाने के अंदर, जहाँ पर वह पागल खाने के अंदर बैठा होता है
होता है और एक साइकाइट्रिस्ट उसका इलाज कर रहा होता है, लेकिन साइकाइट्रिस्ट के चक्कर में जोकर नहीं पड़ता। वह जोकर उस एटम को भी मार देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब जोकर आजाद था और एक साइकिल रोड घूम रहा था। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।